जय हिंद दोस्तों, आज 20 दिसंबर सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। आज एक समान मिलिट्री सर्विस पे 15,500 पर दिल्ली हाई कोर्ट में फैसला होगा, इस पर सुनवाई होगी। बता दें, पूर्व सैनिकों को डिमांड की जा रही, पूर्व सैनिकों से कहा जा रहा है कि 10,500 रुपए एमएसपी करने के लिए एक रिकमेंडेशन दी गई है, इस पर बात करेंगे। लेकिन पूर्व सैनिकों ने जो कहा है कि हमें 15,500 से कम मंजूर नहीं। कोर्ट का फैसला है, डीएससी की सेकेंड पेंशन जो बनती है वो 14 साल बाद लागू होगी, यानी कि 14 साल सर्विस पर भी लागू होगी। राष्ट्रपति ने इंडियन आर्मी की तारीफ की, गोवा को कैसे आजाद कराया इस पर उन्होंने बात कही है। जनरल साहब बोले, अग्निपथ स्कीम से तीनों सेनाएं परेशान है, हैरान हुई। 8वें वेतन आयोग का गठन, नए साल में धड़ाधड़ मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। स्पर्श में पीडीवी करने वाले सभी पेंशनर्स बिल्कुल सही सही पीडीवी करें, खुद जिम्मेदार होंगे। जल बोर्ड में भूतपूर्व सैनिकों के लिए भर्ती निकली हुई है, आज उसकी आखिरी दिन है फॉर्म भरने की, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले पहली खबर से बात करते हैं, एमएसपी पर पूर्व सैनिकों को कहा जा रहा है कि 10,500 एमएसपी की जाए। ये कहा है इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग की तरफ से। ब्रिगेडियर इंद्र मोहन रिटायर्ड हैं, इन्होंने एक चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मीटिंग की थी और उसके बाद ये कहा था कि ओएमजेसी की रिपोर्ट के अनुसार जो एक्स सर्विसमैन जेसीओआर हैं उनकी एमएसपी कम है, उनको एमएसपी बढ़ानी चाहिए। बाकी अलाउंस की अपेक्षा ये एमएसपी रिस्क का अलाउंस है, वो उनकी काफी कम है। आपको बता दें कि पूर्व सैनिकों ने बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि हमें बराबर एमएसपी चाहिए, इसमें बढ़ोतरी नहीं चाहिए, हमें एमएसपी 15,500 चाहिए। ऑफिसर जेसीओ ओआर को इक्वल एमएसपी चाहिए 15,500, इसमें हमें 10,800 नहीं चाहिए। अगर 15,500 एमएसपी हो जाती है तो जेसीओ ओआर की बेसिक जो सर्विस कर रहे हैं उनकी बेसिक में 10,300 रुपए की बढ़ोतरी होगी और जो पेंशनर्स हैं उनको 5,150 रुपए बेसिक में बढ़ोतरी होगी, प्लस इसमें डीए 50% और जोड़ा जाएगा, यानी कि काफी अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से, जो आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है उसका लाइव अपडेट आपको देंगे जब वहां पर फैसला आएगा। और बता दें, लाइव अपडेट में आज सुनवाई वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से पूरी हियरिंग हो गई थी, 45 मिनट सुनवाई चली थी। अब जो पक्ष रखा जाएगा ऑफिसर यानी कि रक्षा मंत्रालय के वकीलों के द्वारा रखा जाएगा और आज उनको इस पर अपना पक्ष रखना होगा। दूसरी बड़ी अपडेट है, जो डीएससी में भर्ती हुए हैं और अगर उनकी दूसरी पेंशन 14 साल सर्विस कर रहे हैं, 14 साल के बाद उनकी दूसरी पेंशन बन जाएगी। ये आप देख सकते हैं, एक नायक हैं डीएससी के, भोरी साहब हैं और इनको रिटायर्ड अब हो चुके हैं, लेकिन इनको 14 साल में रिटायर हुए थे, 14 साल कुछ दिन यानी कि 2-4 दिन में। तो जब इसमें कोर्ट में इन्होंने केस किया और कोर्ट में जो केस हुआ है एएफटी में केस किया था इन्होंने, नई दिल्ली एएफटी में, तो इसमें एएफटी में जो फैसला आया है लेस देन अगर 12 महीने आपकी बचती है, यानी कि 15 साल वैसे होना चाहिए, लेकिन अगर 12 महीने से कम आपकी 14 साल कुछ दिन हुए हैं, 12 महीने से ज्यादा अगर बच रहे हैं 15 साल में, तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अगर आपकी डीएससी में सर्विस 14 साल कुछ दिन हो गई है, चाहे 4 दिन या 2 दिन हुई हो, तो आपको पूरी पेंशन मिलेगी। इसमें ऑर्डर आया है, आप देख सकते हैं, इसमें कह दिया गया है इशू एक करंट जेंडर पीपीओ इनको इशू किया जाए, पूरी सर्विस पेंशन दी जाए और 6% ब्याज के साथ इनको, इंटरेस्ट के साथ जो इनका एरियर बनता है वो दिया जाए। तो इनको ये केस जीते हैं, ऐसे एक नहीं कई ऐसे केस हुए हैं जो 14 साल कुछ दिनों के बाद उनको पेंशन नहीं दी गई थी और वो केस जीते हैं। इसी में सभी का जिक्र किया गया है, तो काफी लंबा ये है, तो मैं आपको 2 पेज आपको डिसीजन का एक पेज दिखा दे रहा हूं और बाकी भी कई केस ऐसे हुए हैं। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व सैनिकों, और बता दें पूर्व सैनिकों को भी उसमें शाबाशी दी है और कहा है कि भारतीय सेना ने कैसे पुर्तगालियों के पसीने छुड़ाए थे, गोवा को कैसे आजाद किया था। 14 साल बाद, आजादी के 14 साल बाद गोवा आजाद हुआ था पुर्तगालियों से
और उन्होंने भारतीय सेना की जमकर तारीफ की है। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से, जनरल मनोज नरवणे साहब ने अग्निपथ स्कीम को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है अग्निपथ स्कीम जैसे ही लागू हुई या सरकार ने बताया तो तीनों सेनाएं सरप्राइज हो गई थी, यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों सेनाएं सरप्राइज रह गई थी। और उन्होंने इस अग्निपथ योजना पर यह कहा है कि 75% परमानेंट नहीं होंगे, उनको बाहर किया जाएगा, सिर्फ 25% ही परमानेंट होंगे। तो इन्होंने जब ये पावर में थे नरवणे साहब तब इन्होंने ऐसी बात नहीं कही, उस समय ये बात कहनी थी, लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि जब प्रमोशन की बात आती है तो ये लोग उसको छुपा के रखते हैं और जब बाद में आप रिटायर हो गए उसके बाद आप सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सबसे बड़े आरोप तो उन अफसरों पर लगने चाहिए जो अफसर अग्निपथ स्कीम को सरकार को ये ना कह पाए कि ये अग्निपथ स्कीम ना तो सेना के लिए ठीक है, ना देश के लिए ठीक है, ना सैनिक के लिए ठीक है। बता दें कि कर्नल महा साहब हैं, इन्होंने कहा कि अग्निपथ अग्निवीर के गुण दोष के बावजूद कई दोष ऐसे हैं जो कि जनरलों ने कंधों पर पीतल लगाकर भी उसको नहीं आगे सामने बताया और ना ही उसका जिक्र किया। एक कर्नल अमित कुमार साहब हैं जिन्होंने ये भी बात कही है कि अग्निपथ योजना एकदम अनुचित है और इसको लागू करना सरकार और सेना के लिए दुर्भाग्य की बात है। तो बड़ी बात इसमें कही गई है। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से, आठवें वेतन आयोग के गठन पर मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। बता दें ये मीटिंग हुई है 68 मीटिंग हुई है, एजीएम की मीटिंग, और इसमें बता दें कि इसमें यह कहा गया है कि दिल्ली में आयोजित 68 बीपीएस एजीएम की मीटिंग में पेंशन भोगियों की चिंताओं को उजागर करने वाले संकल्प को दोहराया गया है। और इसमें कहा गया है कि जो ये मीटिंग हुई है इसमें यह कहा गया कि जनवरी 2024-14 को सेवंथ पे कमीशन को लागू करने के लिए उसका सेवंथ पे कमीशन का गठन किया गया था जनवरी 2014 को। तो अब 10 साल हो गए हैं और 10 साल जनवरी 2024 से हो जाएंगे तो 8th पे कमीशन का भी गठन होना चाहिए और सरकार को इसमें लेटर भी लिखा गया है, संगठनों ने इस पर बात की है और इसमें यह भी कहा गया है कि चौथे वेतन आयोग की राय के अनुसार वेतन की संख्या और न्यूनतम और मैक्सिमम के एवरेज पर बात होनी चाहिए, एवरेज को कम करना चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम की जो पेंशन हमें मिलती है उसके गैप को कम करना चाहिए जिससे कि हमारी पेंशन में सुधार हो सके। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, बता दें दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस ने जल बोर्ड में वैकेंसी निकाली है जिसका फॉर्म मैंने भर के बता दिया है कैसे फॉर्म भरेंगे और इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10th पास के लिए काफी वैकेंसियां हैं, जरूर अप्लाई करें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे उसका वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें। थैंक यू, जय हिंद।